हेलो गाइस, आज हम हॉस्टल में हैं और हमारा कल एग्जाम है गाइस मैथ्स का, और हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता है और एक दिन बचा है। तो आज हमने क्या किया कि एक प्लान बनाया गाइस मैंने, मैं क्या करूँगा, ये कुछ 6-7-8 टॉपिक्स हैं। मैं हमारे क्लास में हॉस्टल हैं 72, तो उन सब से मैं जाऊँगा और उनको बोलूँगा मुझे तुम इनमें से कोई भी एक टॉपिक बता दो तुम्हें आता है, मैं सबके पास सर्वे करूँगा, देखता हूँ मैं आज का ये जो सिलेबस है मेरा ये पूरा कर पाता हूँ या फिर नहीं, और कर पाता हूँ तो आपको बता दे चलो वेस्ट चलते हैं क्या मैं कामयाब होता हूँ इसके अंदर चैलेंज में। और एग्जाम से गैस पूछ लिया था, आज मैंने किताब उठाई है और हाथ में पेन लिया है, अभी जाता हूँ गैस सबसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पूछते हैं जो भी एक टॉपिक आता है वो क्लियर करेंगे। चलो गैस तो चलते हैं। हेलो अभिषेक, आई नीड वन हेल्प फ्रॉम यू, कैन यू एक्सप्लेन एनी वन टॉपिक इन दिस, एनी वन टॉपिक? या आई एम शूटिंग व्लॉग, यू कैन यू एक्सप्लेन एनी वन ऑफ टॉपिक इन दिस फ्रॉम ईयर टू ईयर, एनी वन? कैन यू एक्सप्लेन मी? ओके एक्सप्लेन हियर, या क्वेश्चन you have to see for that also. Yes, I need a question now, but how will I explain? Okay, take. और चलते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स या नेक्स्ट के साथ। हेलो गाइज, एनीवन, आप में से कोई भी मुझे इनमें से कोई एक टॉपिक बता दो, सारे एक टॉपिक समझा दो मेरे को, इसमें से कोई सा भी मेरे को एक ही टॉपिक बता दो जिसको आता है। मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिख रखे हैं मैथ्स के, उनमें से मेरे को कोई भी एक ही दिन एक ही टॉपिक समझा दो। ये मेरे एग्जाम से पहले का प्लान, ये बता दोगे आप? चलो यार प्रधान जी ये बता दो आप, मजा आ गया। चलो यार रैंक मैट्रिक्स तो हो गई हमारी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझा गया, इंडिपेंडेंस भी सीख लेते हैं। देखो प्रधान जी ने हमें ये भी क्लियर कर दिया टॉपिक, ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया और ये टॉपिक भी क्लियर कर दिया गाइस। अब बचे 1, 2, 3, 4, अपने 4 टॉपिक क्लियर हो गए। ये सारे टॉपिक किए हैं प्रधान जी ने, ये किए हैं अभिषेक ने। अभी और आगे चलते हैं गाइस, देखते हैं कौन कितना टॉपिक कर पाता है। और आज का अपना चैलेंज है कि अपन को सारे टॉपिक एक साथ लर्न करने एग्जाम से एक दिन के पहले,
लेट्स सी कैन वी डू इट और नॉट, लेट मी चेक इट। तो चलते हैं नेक्स्ट कमरे के अंदर और यहाँ पे मुझे लग रहा है पहले से ही पढ़ाई चल रही है। तो हेलो गाइस, आपके लिए एक सवाल भी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, आपको जो लेना वो लो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं किए हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स मैंने मार्क नहीं किए हैं, उनमें से हर बंदा कोई भी एक एक टॉपिक मुझे बता सकता है। ब्लॉग बना रहा है यहाँ पे, कुछ टॉपिक्स है जो मार्क नहीं है। अच्छा, उन टॉपिकों को जो टॉपिक आएगा मुझे बता दो। अच्छा, आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी, देखते आप कर पाते हो या नहीं। इनमें से जो मार्क नहीं है, इनमें से जो टॉपिक आपको मार्क नहीं हुआ टॉपिक मुझे बता सकते हो, मुझे मतलब समझाना आपको। आप देखते हैं कितनी कैपेबिलिटी है। कैलिया मेल्टर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। कौन समझोगे? कैलिया मेल्टर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। चलो बता दो सर। तो आयुष जी ने बोला कि हम कैलिया मेल्टर और ये आपको टॉपिक क्लियर कर देंगे। बिल्कुल, देखते हैं। आज का चैलेंज हमारा एग्जाम से एक दिन पहले सारा टॉपिक कवर करने हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। अब तक हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है कैलिया मेल्टर थ्योरम के साथ, अगर ये समझा पाए तो। कैलिया मेल्टर थ्योरम का नाम, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? कैलिया मेल्टर थ्योरम के हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स, हाँ उन्होंने ये बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अच्छा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, ओके, सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और ज़्यादा हमारा आयुष जी का रहा प्रभाव, जो आप सिग्नेचर देख रहे हो आप, ये सारे आयुष जी के ही हैं, जो मेन यूनिट 2 है उन्होंने पूरी उन्होंने कंप्लीट किए और सारे के सारे अपने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और अपने आज का जो मिशन था वो अपने कंप्लीट कर लिया है। हमने आज सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए और सारे के सारे ही कर लिए। अब हमको बैठ के बस मेरे को रिविजन करनी है और कल मैथ्स के एग्ज़ाम में मेरे को 20 out of 20 मार्क्स लाने। मेरा एक भी टॉपिक क्लियर नहीं था, मैंने सारे के सारे टॉपिक अभी के अभी क्लियर किए हैं। तो चलते हैं गाइस, बी वॉचिंग आवर चैनल। हम आपके लिए नए नए चैलेंजेस, व्लॉग्स सब इसी चैनल पर हम लेके आते रहेंगे गाइस। ये था मेरा चैलेंज कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के पेपर देने जा रहा हूँ, देखते हैं इसमें मेरा कितना स्कोर होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाइस। थैंक यू गाइस।